हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। जी हाँ, आप सभी दर्शकों को बिग न्यूज टीम की ओर से हैप्पी होली। नमस्कार, बिग न्यूज से मैं हूँ कोमल कर्ण। होली का जश्न है और रंगों का त्यौहार है, और रंगारंग त्यौहार में हमारा जमशेदपुर भी रंगों से भरा भरा है। आइए जानते हैं कि क्या तैयारी चल रही है यहाँ के लोगों से। बस अभी चले गई हूँ, और उससे पहले अभी गई थी मार्केट, तो कुछ और क्या क्या कर रही हूँ इस बार होली में। वैसे तो मैं कलर नहीं खेलती हूँ, लेकिन अभी अभी खेल रही हूँ, अच्छा स्किन इफेक्टिंग होता है, तो इसलिए अभी हर्बल कलर से खेलूंगी। ये तो जरूरी है। अच्छा, कोरोना वायरस, मैं तो एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, कोरोना वायरस अगर ऐसा है कुछ तो उसके लिए ज़्यादा क्या बोलेंगे बरतना पड़ेगा सारा प्रॉब्लम। तो उसके लिए पहले तो कलर से ज़्यादा हर्बल कलर से खेलिए, ज़्यादा खुले कलर से मत खेलिए, फिर पानी का ध्यान दीजिए, डॉक्टर्स को दिखाइए अगर आपका तबीयत खराब है। आपका नाम क्या मैम? दिव्यानी गुप्ता। जी हाँ दर्शकों, आज होली है और आज हम भी आपके संग मौजूद हैं इस होली मस्ती करने। तो चलिए आज का हम अपना होली स्पेशल कार्यक्रम शुरू करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं होली मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। होली के एक दिन पहले पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रह्लाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी भी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपने बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके विपरीत, होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रह्लाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है और दूसरे दिन रंग खेलने का विधान है। अतः होली में यह संदेश मिलता है कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो दर्शकों, ये तो बात हुई होली के पहले की पौराणिक कथा की, और आइए अब जानते हैं कि इस बार की होली में किस तरह की सावधानियां बरतनी है। जी हाँ दर्शकों, आप चौंकिए नहीं, बल्कि मैं सावधानी बरतने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारे देश में भी कोरोना वायरस को लेकर बहुत तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले स्किन स्पेशलिस्ट से जानते हैं कि वो इस होली में हमें क्या सावधानी बरतने की बात बता रहे हैं। डॉक्टर ए एन झा, देखिए कोरोना वायरस तो वैसे जमशेदपुर में तो अभी तो हम लोग का रिपोर्टेड अभी हुआ नहीं है, इसलिए वैसे रंग जो है सो होली अच्छी बात है। होली जो रंगों का त्यौहार है, खुशी मनाने का त्यौहार है, खाना पीना बढ़िया से खाइए। और रंग का जहाँ तक सवाल है, आजकल रसायन मिला हुआ रंग आता है जिसमें तरह तरह का केमिकल मिला हुआ रहता है, उससे एलर्जी होती है, खासकर दमा पेशेंट को दम फूलने का डर रहता है। ये जो केमिकल है आँख में नहीं जाना चाहिए, वो सब है ही। जहाँ तक कोरोना वायरस का सवाल है, कोरोना वायरस इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, तब है वो सावधानी तो रखना ही पड़ेगा कि अपरिचित जो कोई है वो आकर के आपको सट के चेहरा पे लगाएगा। डिस्टेंस तो है मिनिमम 1 मीटर, वैसे एक्चुअल में है 1.8 मीटर, 1.8 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए, तब है कि होली 1.8 मीटर से कैसे रंग लगाओगे। तो जस्ट थोड़ा सा ये लगा दीजिए, गुलाल लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, और जमशेदपुर में रिपोर्टेड नहीं है इसलिए हमको नहीं लगता है कि उतना डरने की बात है। हाँ, कोई यदि फॉरेन से आए हैं, बाहर से आए हैं, तो उनके उनसे थोड़ा सा हाँ सतर्क रहना है, ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। नेचुरल जो फ्लावर है उससे बना हुआ रंग जो है उससे आप होली खेलिए, रसायन तरह तरह का आजकल मिलता है, केमिकल पेंट वो सब मत लगाइए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी का डर रहता है। खास के जो एलर्जी का पेशेंट है, एक्जिमा का पेशेंट है, उसको लगाने से भी बहुत बढ़ जाता है, इसलिए केमिकल लगा हुआ रंग जो है ना उसको आप अवॉइड करना चाहिए। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप हमारे डॉक्टर साहब की बातों को अपनाते हुए अपनी होली को हैप्पी होली मनाएंगे। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कहते हैं ना कि लाल गुलाबी रंग है झूम रहा संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार। तो चलिए हमारे शहर के बाजारों में किस तरह का बहार है देखते हैं।
और खीने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया ओ रंग रसिया रंग रसिया हो। रंग बरसे अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे। तरह से शहर के बाजारों में रौनक है और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का भी थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है, पर इससे डरने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपने पहले भी देखा कि डॉक्टर साहब ने भी सावधानी बरतने की बात की है, तो फिर डर किस बात की, हम होली को सुरक्षित मना सकते हैं कुछ सावधानियां अपनाकर। और आइए अब देखते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से इस होली में किस तरह के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर पुलिस ने काफी व्यापक तैयारियां की हैं, कहीं पर भी अगर अवैध शराब बिक रही है चाहे बन रही है उसके खिलाफ पूरे जिले में अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि अवैध शराब ही सारा झगड़े की जड़ बनती है, चाहे होली हो चाहे रामनवमी हो। लगभग 3,500 पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होली में पूरे जिले में रहेगी। 150 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट हैं जो प्रतिनियुक्त रहेंगे। 2 दिन पहले ही एक ज्वाइंट ऑर्डर संयुक्त आदेश DC जमशेदपुर और मेरा निकला है, जिसमें सारे संवेदनशील स्थानों पर हम लोगों ने स्टैटिक फोर्स और पेट्रोलिंग फोर्स की हम लोगों ने तैनाती की है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां होली को देखते हुए रद्द कर दी गई हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहे। बाहर से भी कुछ फोर्स हम लोगों को प्राप्त हुई है, होमगार्ड्स के कुछ जवान प्राप्त हुए हैं, वो भी ड्यूटी में रहेंगे। और ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ हम लोग होली के दिन, जिस दिन होली जलेगी देर रात में, उस दिन 9 तारीख को और 10 तारीख को हम लोग अभियान चलाएंगे, जैसा हम लोगों ने न्यू ईयर के दिन चलाया था, ताकि शराब पी करके लोग गाड़ी ना चलाएं और अपनी जान को खतरे में ना डालें और दूसरे की जान को भी खतरे में ना डालें। और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाया जाए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, हैप्पी होली।